हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। एंड आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो पब्लिक सेक्टर की बैंक्स हैं, वो आरआरबीज हों या वो कमर्शियल बैंक्स हों लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है, मतलब जो गवर्नमेंट ओन बैंक है जिसमें मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट का है, उनका एनपीए क्यों डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। एंड ये टॉपिक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? एसबीआई पीओ की जीडी के लिए, एसबीआई पीओ की रिटर्न के लिए, आईबीपीएस पीओ के रिटर्न के लिए, एंड आपके हर बैंक एग्जाम के इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो इस पर थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल रीजंस क्या हो सकते हैं। जब जीडी होती है, रिटन एग्जाम होता है, उसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इजीली रह सकते हैं, और अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं, ना कि किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू जो न्यूज़पेपर में निकल रहा है उसको पढ़ के आप कुछ भी लिख दें, या जो नेता लोग बोल रहे हैं उनको देख के आप कुछ जीडी में आकर बोल रहे हैं, रिटन एग्जाम में लिख दें। अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे, डेफिनेटली मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो आप इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी निकालने की कोशिश करिए, आप डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल रीजंस क्या हैं, क्यों ये सब हो रहा है। तो देखिए, एनपीए क्या होता है सबको पता होगा, आई थिंक नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, एनपीए में क्या होता है कि आपने कोई लोन लिया बैंक से, ठीक है, अब उसकी जब ईएमआई ड्यू थी, जब से माना आज से ईएमआई ड्यू है, फर्स्ट आज नहीं कल से मानो ड्यू थी, 1 जून 2018 से, ठीक है, आपने 3 महीने तक कोई भी ईएमआई नहीं भरी, मतलब ना आपने इंटरेस्ट पे किया ना आपने प्रिंसिपल पे किया, तो 3 महीने बाद ये क्या होगा, ये लोन एनपीए हो गया। एनपीए हो गया मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई, मतलब आपने लोन लिया बट चुकाया नहीं, ठीक है, अब आपने चुकाया नहीं तो ये एनपीए हो गया, अब ये बैड लोन हो गया बैंक के लिए, मतलब बैंक का पैसा भी चला गया, अब रिकवरी नहीं आ रही है, बैंक का पैसा भी गया, जो डिपॉजिटर्स हैं उनको तो इंटरेस्ट पे करना ही करना है, डिपॉजिटर्स का पैसा हमने दे दिया लोन, वहाँ से रिकवरी मिल नहीं रही है, इंटरेस्ट मिल नहीं रही है, डिपॉजिटर को तो आप इंटरेस्ट के साथ ही लौटाएंगे। सपोज करिए आप बैंक में जाएं एंड एफडी करें, ठीक है, आपको 50,000 की एफडी की 1 साल बाद 54,000 रुपये मिल रहा है, 54,000 रुपीज़, 7%, 7.5% इंटरेस्ट के साथ। लेकिन जब आप लेने जाएं एंड आपको बैंक इंटरेस्ट ना दे तो आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली आप बैंक से लड़ाई करेंगे, जो मैनेजर होगा उससे लड़ाई करेंगे, आप कंप्लेंट करेंगे आगे, ठीक है, तो ऐसा तो बैंक कर नहीं सकती। बैंक ने जो बोला है वो करना ही करना है, कस्टमर जो बोल के जाता है वो नहीं करता है। कस्टमर बोल के जाता है लोन लेते टाइम कि हाँ एकदम टाइम से चुका देंगे, ये कर देंगे, बट लोन लेने के बाद कस्टमर देखने भी नहीं आता है, ठीक है। तो रीजंस क्या है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एनपीए इतना बढ़ता जा रहा है, एंड उससे पहले हम देख लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक का जो एनपीए है वो है कितना। तो अभी जो क्वार्टर टू एंड हो रहा है, इसमें जो स्टेट रन बैंक्स हैं, जितनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनका जो एनपीए हो गया है 7.34 लाख करोड़, 7.34 लाख करोड़ ही टोटल एनपीए हो गया है। वहीं पर अगर हम बात करें जो हमारी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लाइक एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सारे बैंक्स का जो एनपीए है मिलाकर वो सिर्फ 1.03 लाख करोड़ है। इनका एनपीए इतना कम है, इनका एनपीए इतना ज़्यादा क्यों है? कस्टमर तो वही है इंडिया का ना, कस्टमर्स तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक में अमेरिका से आ रहा है और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वहाँ पर इंडिया कस्टमर जा रहा है और वो दे नहीं रहा है। तो इनके रीजंस क्या हो सकते हैं कि क्यों जो है वो चुका नहीं रहे हैं लोन? और जो 7.34 लाख करोड़ एनपीए है, इसमें सबसे ज़्यादा जो एनपीए है वो है एसबीआई का। एसबीआई का जो एनपीए है ये लगभग है 1.86 लाख करोड़, ठीक है, 1.16 लाख करोड़। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो फॉलो करती है एसबीओ को वो है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का है 57,630 करोड़, 57,000 करोड़ ऑलमोस्ट। देन उसके बाद आती है बैंक ऑफ इंडिया जिसका एनपीए है 49,307 करोड़, ठीक है, तो ये टॉप में बैंक्स हैं, टॉप थ्री में। इसके बाद कैनरा बैंक का लगभग 39,000 करोड़ है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लगभग 38,000 करोड़ है, ठीक है ये। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे ज़्यादा एनपीए किसका है? प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे ज़्यादा जो एनपीए है वो आईसीआईसीआई बैंक का है। एंड अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के एनपीए की बात करें तो वो है 44,000 करोड़, 44,237 करोड़। और उसके बाद आती है एक्सिस बैंक जिसका बहुत कम है, सिर्फ 22,136 करोड़ रुपये एनपीए है। देन एचडीएफसी का 7,644 करोड़ रुपये एनपीए है, ठीक है। एक जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, वो भी प्राइवेट बैंक ही है, उसका एनपीए जो है 5,983 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो ये होगी फिगर्स मेनली कि ये एनपीए है इतना। अभी देखिए, एनपीए बढ़ने का रीज़न क्या है? एक तो जो इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक्स बड़े कॉरपोरेट्स को लोन देती हैं, ठीक है, बड़े लोग को लोन देती है, वहाँ से रिकवरी नहीं होती है, ठीक है, वो विलफुल डिफॉल्टर उनको हम बोल सकते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, वो मे भी ना हो, ठीक है, लेकिन वो विलफुल डिफॉल्टर बोल सकते हैं कि इतने बड़े होने के वजह से विजय माल्या लोन लेकर भागे, जैसे नीरव मोदी का केस हुआ। तो इन सब केस में क्या हुआ
इन सब केस में जो लोग नहीं जानते हैं, मीडिया वीडिया दोषी ठहरा देगा कि बैंकर्स ने घोटाला किया। नहीं किया, हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जब इतने बड़े लोन्स होते हैं ना, तो आप जब कभी बैंक ज्वाइन करेंगे जब, तो आपको पता चलेगा ये जो कॉरपोरेट अभी क्यों देखिए। हाँ, जब आप बैंक को ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि पावर कितनी होती है। एज ए स्केल वन ज्वाइन करेंगे, स्केल उसके बाद आप स्केल टू जाएंगे, स्केल थ्री में जाएंगे, सीनियर मैनेजर बनेंगे, इतनी बड़ी आपके पास इतनी पावर नहीं होती है कि आप 2000 3000 4000 करोड़ के, 200 400 करोड़ के भी, 100 200 करोड़ के भी, ठीक है 50 60 करोड़ के भी आप लोन कर पाए। इतनी पावर आपके पास नहीं होती है। जो पावर होती है वो बहुत हायर अथॉरिटीज के पास होती है, वहां पर फाइल जाती है, वहां से सैंक्शन होकर रिपोर्ट, आप सिर्फ रिपोर्ट भेजते हैं, फाइल बनाकर भेजते हैं, ठीक है, तो वहां से रिपोर्ट सैंक्शन होके आती है, ठीक है। अगर कोई गलत लोन सैंक्शन हो रहा है, ठीक है, इतने बड़े अमाउंट का जो एनपीए बाद में हो रहा है या विलफुली बैंक द्वारा किया जा रहा है, वो जानती है यहाँ से रिकवरी नहीं आएगी, बट किसी प्रेशर में लोन किया जा रहा है, तो इसके लिए कोई भी बैंक वर्कर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो क्लर्कल स्टाफ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सीनियर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। जिनकी सैलरी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि नहीं सैलरी नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि बैड लोन ज्यादा है, एनपीए बैंक का ज्यादा है, इसलिए बैंक घाटे में सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बैंक के प्रॉफिट को आप सैलरी से रिलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इतनी पावर नहीं होती है, वो बहुत ही हायर अथॉरिटीज जो होती हैं बैंक की, वहां से फाइल साइन होकर आती है, वहां से पूरा रिव्यू होता है, तब इतने बड़े लोन सैंक्शन होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर मे भी प्रेशर, अब वहां पे कुछ भी हो सकता है, मे भी वहां पर, मैं बिल्कुल भी इस बात से डिनाई नहीं करूंगा कि वहां पर कुछ गड़बड़ी हुई है, वहां पर कुछ पैसों का लेन देन हुआ है, ब्राइब चली है या नहीं चली है, सिर्फ इन्फ्लुएंस हुए हैं उनकी बातों से, जो कॉर्पोरेट सेक्टर लोन ले रहा है, या गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर दिया जाना भी एक बहुत ही कॉमन चीज है। गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर दिया जाता है, नहीं इस कंपनी को लोन दे दो, ये तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट जो नेता लोग होते हैं स्पेशली, वो अपनी पावर का कैसे यूज करते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो वहां से प्रेशर आता है कि ये लोन सैंक्शन कर दिया जाए, उस वजह से ये एनपीए होता है। अगर बैंक जान भी रही है कि ये जानबूझकर लोन ले रहा है एंड कंपनी की ऐसी हालत नहीं है कि इसकी रिकवरी कर पाए या ये रिकवरी फ्यूचर में नहीं करेगा, तो लोन किसी का राइट नहीं है। लोन बैंक की अपने विवेक पर निर्भर करता है कि वो एनालाइज क्या कर रही है, कि वो आदमी चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, और बैंक लोन देने से मना कर सकती है, ठीक है। लोन किसी का अधिकार नहीं है लेना, लेकिन ऊपर से जब प्रेशर होता है, अगर गवर्नमेंट प्रेशर कर रही है या हायर अथॉरिटी से प्रेशर कर रही है, तो लोन देना ही देना है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, ठीक है। उसमें बाद में होता क्या है कि वो एनपीए हो जाता है, उसकी रिकवरी नहीं आती है। तो एक मेजर रीजन जो आप बोल सकते हैं वो ये है कि बड़े जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं उनका लोन लेकर भाग जाना या लोन लेकर ना चुकाना जानबूझकर, एक नहीं हजारों केस हैं, दो केस नीरव मोदी और विजय माल्या के बड़े बड़े आपके टीवी पे दिख गए, हाईलाइट हो गए, बट ऐसे बहुत से केस हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स बड़े बड़े हैं, इवन आपके लोकल एरिया के जो बड़े, जो छोटा भी नेता होगा उसके इन्फ्लुएंस में आके आपको लोन देना पड़ता है, 10-20 लाख का लोन दे देंगे, उसकी रिकवरी नहीं आती है, ठीक है। तो ये एक रीजन है कि विलफुल डिफॉल्टर। तो पहला रीजन क्या है, आप बोल लीजिए कॉर्पोरेट सेक्टर का लोन ना चुकाना, बड़े लोन, ठीक है, या फिर विलफुल डिफॉल्टर। जितना भी एनपीए है उसमें से 70% 60% जो हिस्सा है ना, वो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर का है, वो छोटे लोगों का हिस्सा नहीं है, हमारे आपके जैसे लोगों का। दूसरी ये है गवर्नमेंट की पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल है एनपीए के लिए, मतलब आपके मैनेजर के पास, सीनियर मैनेजर के पास, असिस्टेंट मैनेजर के पास, किसी के पास भी स्केल 1 2 3 4 इतनी पावर नहीं है कि वो लोन रिकवरी में बहुत ज्यादा कुछ कर सके, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है, जो प्रोसेस भी है वो बहुत डिफिकल्ट है। तो एक ये रीजन है, गवर्नमेंट का पॉलिसी थोड़ा इजी करनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक से आप एक कार लोन लेते हैं ना, एक कार लोन लेते हैं एंड वो कार लोन की ईएमआई आप 2-3 नहीं चुका पाते हैं, आपके घर आएंगे, आपकी गाड़ी जो होगी ना ऐसे करके उसको उठा ले जाएंगे, वो देन उसकी नीलामी करेंगे, बहुत ही जल्दी प्रोसेस करते हैं, 5-7 दिन में प्रोसेस कर देंगे, आप 2 ईएमआई ना के देकर देखिए, ठीक है। इसीलिए इनका एनपीए प्राइवेट सेक्टर से कम है, क्यों, क्योंकि उनके हाथ में पावर है, वो कुछ भी एक्शन लेते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है कि आपको वेरियस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। आरआरबीज, पब्लिक सेक्टर बैंक जो कॉमर्शियल है उनकी तो हालत फिर ठीक है, आप आरआरबी से एक बार कार लोन लीजिए, आप नहीं चुका रहे हैं कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, मे भी सालों कुछ नहीं होगा, ये हो जाता है, ठीक है। तो एक रीजन ये भी है कि जो पॉलिसीज हैं उसमें इतनी पावर नहीं दी गई है बैंकर्स को कि वो कुछ खास कर सकें। तीसरी जो मेन रीजन है वो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी ही है, वो पॉलिसी कैसी है, लोन वेवर।
आपने देखा होगा इलेक्शन जीतने के लिए कोई भी गवर्नमेंट हो, वो प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, पास्ट गवर्नमेंट हो, आने वाली गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, हर पार्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वह घोषणाएं करते हैं हम लोन माफ कर देंगे। यूपी में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी की, उसने इलेक्शन से पहले घोषणा की थी कि हम लोन माफ कर देंगे। अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो लोन माफ कर देंगे, ठीक है। कर्नाटका में ये हुआ कि लोन माफ कर देंगे। ये लोन माफी से क्या होता है कि लोगों में लोन लेकर ना चुकाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एज ए बैंकर, जो लोग बैंक में है उन्हें पता होगा, आप जब रिकवरी के लिए फील्ड में जाते हैं, लोग बोल देते हैं नहीं भैया हम तो लोन नहीं चुकाएंगे, हम 2019 तक वेट करेंगे कि लोन सरकार माफ ना कर दे, ठीक है। अब चलिए लोन माफी दी, ठीक, इससे प्रवृत्ति कैसे बढ़ रही है? लोन माफी से प्रवृत्ति इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो इस बार यूपी गवर्नमेंट ने जैसे लोन माफ किया, उसमें क्या किया, लोन सिर्फ उन लोगों का माफ किया जिन्होंने लोन नहीं भरा था, मतलब जिन्होंने 2 साल में पिछले इंटरेस्ट भी नहीं चुकाया था, मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, 1 रुपया बैंक में आके नहीं दिया था, ऐसे लोगों का लोन माफ किया। और जो लोग बैंक में आके ब्याज भर गए थे, इंटरेस्ट दे गए थे, या थोड़ा बहुत पैसा चुका गए थे, या टाइम से लोन रीपेमेंट कर रहे हैं वो इंटरेस्ट पे करके, ठीक है, उन लोगों का लोन माफ नहीं किया। क्यों? गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप तो लोन दे ही सकते हैं तो आपको हम माफ क्यों करें। तो अब इससे क्या होता है, जो लोग लोन चुका रहे हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी डेवलप होती है कि लोन चुकाने का फायदा नहीं है, गवर्नमेंट अगर माफी भी देगी तो हमें तो दे नहीं रही है। जो लोग नहीं चुका रहे हैं, भले वो कैपेबल ना हो या जानबूझ के ना चुका रहे हो, ठीक है, लोन उन वो लोग नहीं चुका रहे हैं उनको माफी मिल जा रही है, एंड हम तो टाइम से चुका रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, हमको माफी नहीं मिल रही है। ये टेंडेंसी उनके अंदर डेवलप हुई है, ये फील्ड में मैंने भी देखा है, बहुत से लोग जो बैंक में काम कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा। इसकी वजह से अब क्या किया है, अब इन्होंने जो लोग लोन चुका रहे थे इन्होंने भी लोन चुकाना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? बोला हम तो अब 2019 का वेट करेंगे, इलेक्शन है, इलेक्शन बाद ही कुछ करेंगे, क्योंकि मे भी नई गवर्नमेंट आई वो क्या पॉलिसी लाती है और गवर्नमेंट क्या सोचती है। गवर्नमेंट दोनों डेटा एनालाइज करती है एक्चुअली, कि किसमें हमको कम पैसा देना पड़ेगा, लोन चुकाने वालों में या ना चुकाने वालों में। अभी क्या होगा, बहुत से लोग क्या करेंगे, लोन नहीं चुकाएंगे, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, अगर उसने लोन वेव किया, माफ किया, वो क्या करेगी, बोलेगी जिसने टाइम से भरा है हम उसका दे देंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसकी वजह से लोग लोन नहीं चुका रहे हैं। एक रीजन और है एनपीए बढ़ने का, विलफुल डिफॉल्टर, जो पहले बताया वो भी है कि लोगों के पास पैसा है वो दे नहीं रहे हैं, ये हम नहीं देंगे, आपको जो करना हो कर लो, इस टाइप के भी लोग होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा रीजन ये भी है, कुछ बैंक स्टाफ की लापरवाही, प्रॉपर फॉलोअप ना होना, प्रॉपर कस्टमर से कांटेक्ट ना करना, ये बहुत ही माइनर रीजन है, कोई बड़ा रीजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत कम करते हैं, 1-2% स्टाफ भले ऐसा हो जो ना करता हो, मैक्सिमम बैंक में स्टाफ, क्योंकि इतना प्रेशर ही होता है ऊपर से आरओ से कि एनपीए कम करना है, कम करना है, कम करना है, ठीक है, आपकी जो हायर अथॉरिटीज होती हैं वो प्रेशर करती हैं तो कॉन्टेक्ट करना ही पड़ता है, बट फिर भी 1% स्टाफ मान लीजिए ऐसा होता है जो प्रॉपर एफर्ट नहीं लेता है, प्रॉपर लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं करता है, लोन जिनको दिया है उनसे टच में नहीं रहता है कि एक्चुअली आपको लोन चुकाना है, ठीक है, थोड़ा आप भी 10 बार किसी से बोलेंगे तो वो चुकाएगा कि हाँ चलो इतनी बार फोन आ रहा है मुझे कुछ दे देना चाहिए। तो एक ये भी रीजन है लो एनपीए बढ़ने का। तो एनपीए बढ़ने से दिक्कत पता क्या आती है, जैसे एनपीए हुआ 1,000 रुपए का, 1,000 करोड़ आप समझ लीजिए, 1,000 रुपए समझ लीजिए, ठीक है, बैंक का प्रॉफिट हुआ, ये 1,000 करोड़ का लोन है जैसे, ठीक है, जितना अभी सपोज क्या होता है, आपने 1 लाख का लोन दिया, ईएमआई थी 1,000 रुपए की, मानो 3 ईएमआई लगातार उसने नहीं दी 1,000 1,000 रुपए की, मतलब 3,000 रुपए उसने नहीं पे किए, तो जो एनपीए होगा ना वो पूरा 1 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। और सपोज इसके 2 लोन अकाउंट चल रहे हैं, एक इसने और 50,000 का लोन लिया था लेकिन वो लोन सही चल रहा है, मतलब उसमें वो चुका रहा है उस अकाउंट में, लेकिन ये पूरा 1.5 लाख एनपीए माना जाएगा। अगर किसी भी आदमी का एक अकाउंट एनपीए हो जाता है तो उसके सारे अकाउंट एनपीए माने जाते हैं, ठीक है, तो वो 1.5 लाख रुपए अब गवर्नमेंट मान लिया, बैंक ने मान लिया एनपीए हो गया। तो होता क्या है, सपोज प्रॉफिट हुआ 1,200 करोड़ रुपए का, ये 1,000 करोड़ रुपए जो एनपीए था वो प्रोविजनिंग में चला जाता है, मतलब बैंक को अपने प्रॉफिट से उतना पार्ट निकाल के प्रोविजन करना पड़ता है कि ये रिकवरी ना हुई तो बैंक देगी इस पैसे को, बैंक इसकी भरपाई करेगी। तो एक्चुअल प्रॉफिट आया सिर्फ 200 करोड़। देखिए प्रॉफिट में कितनी कमी आ गई एनपीए की वजह से, इसीलिए एनपीए की वजह से ही बैंक लॉस में जा रही है, क्योंकि सारा पैसा जितना भी प्रॉफिट आ रहा है वो प्रोविजनिंग में चला जा रहा है एनपीए की करने में, एंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कैसे है, मैंने आपको बता दिया। एक और जो एनपीए बढ़ रहा है, देखने वाला है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल मेरे व्यू में, मेरे ओपिनियन में गवर्नमेंट है और कोई नहीं है, एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में एनपीए बढ़ रहा है ये देखने को मिला, एजुकेशन लोन में एनपीए। अब एजुकेशन लोन में एनपीए बढ़ने के लिए गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्यों? यहाँ आदमी क्या कर लेता है, किसी स्पेसिफिक डिग्री की बात नहीं करते हैं, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, डॉक्टरेट कर लिया, उसको नौकरी नहीं मिलती है, उसने लोन लेके पढ़ाई तो कर लिया, अब उसको नौकरी नहीं मिल रही है, इनफ वैकेंसीज नहीं आ रही है, कोई डिपार्टमेंट वैकेंसीज निकाल नहीं रहा, सिलेक्शन हो रहा है तो पोस्टिंग नहीं हो रही है,
प्राइवेट सेक्टर भी रिक्रूटमेंट ज्यादा कर नहीं रही है, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, उसकी पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल है कि आपके गवर्नमेंट होते हुए क्यों वैकेंसीज नहीं आ रही है। देखा होगा पिछले 3 सालों में कितनी आईबीपीएस की वैकेंसीज कम हुई है, ठीक है। रीजन दिया जा रहा है कि बैंक लॉस में है, तो लॉस में है तो हम क्या करें, हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना लॉस के लिए, आपकी पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल है, आप समझिए। लेकिन उसकी वजह से रिक्रूटमेंट बंद कर दिए गए, एंड रिक्रूटमेंट बंद होने से क्या हुआ, आप सोचिए, आपने बीटेक किया, एमटेक किया, आपके ऊपर 8 लाख 10 लाख का लोन आ गया, उसके बाद आपको प्राइवेट सेक्टर 8 हजार रुपए की नौकरी देता है, 8 हजार रुपए मान लीजिए, 12 हजार रुपए की बहुत अच्छी नौकरी दे देगा, इससे ज्यादा क्या मिलता है एक एवरेज स्टूडेंट को। एक टॉप छोड़ दीजिए, टॉप के 10-15 लोग की प्लेसमेंट हो जाती है ठीक ठाक जगह, और उसी को पेपर में दिखा देते हैं कि प्लेसमेंट हुई, 12 हजार की नौकरी आपको मिली कहाँ, दिल्ली जैसी सिटी में, आप अपना खर्चा चलाएंगे कि लोन चुकाएंगे, तो ऐसा लोन भी एनपीए होता जा रहा है, ठीक है। और अगर बात करें कि जो एजुकेशन लोन है वो जितना लोन दिया गया उसका 6.67% जो है वो एनपीए हो चुका है, ठीक है, जो कि 2017 मार्च एंड की अगर बात किया जाए 5.7% था, इतने ही दिन में 2.2% ऑलमोस्ट जो है वो बढ़ गया है। टोटल अगर हम एनपीए की बात करें जो एजुकेशन लोन का है, सिर्फ एजुकेशन लोन में ही 67,678 करोड़ का एनपीए हो गया है, तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है ना। पढ़ लिख के पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करके कौन नहीं चाहेगा कि अब हमें नौकरी मिले, अब हम नौकरी करना चाहते हैं, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करेगा कि उसने ग्रेजुएशन कर लिया है, लोन लेके ग्रेजुएशन किया है, वो गरीब परिवार से है, लोन लेके पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और अब वो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा जानबूझ के कि उसको नौकरी ना मिले, वो खुद चाहेगा कि हमें नौकरी मिल जाए और हम लोन चुका दें, क्योंकि एसबीआई तो कभी कभी वैकेंसीज निकालता है, वैकेंसीज में जब एसबीआई निकालता है तो वो तो बोल देता है कि आपके ऊपर कोई एनपीए नहीं होना चाहिए आपका, वरना आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो एजुकेशन लोन में भी एनपीए बढ़ता जा रहा है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, मैंने अपना व्यू बता दिया, आप जीडी पे अपना व्यू रख सकते हैं, एंड होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी रीजन से वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।